नमस्कार दोस्तों, तो ये है टाटा सिग्ना 4625.S। जी हाँ, 46 टनेज में टाटा का यह सबसे बेहतरीन हॉर्स है, जिसमें लगे हैं 295/90 R20 के रेडियल टायर, पावर ऑफ 6 की नई सिग्ना केबिन के साथ, जिसमें आपको मिलती है 365 लीटर की डीजल टंकी, 60 लीटर की एयर ब्लू टंकी, रियर LED टेल लैंप जो कि आपकी 40% तक की पावर को सेव करता है, रियल व्हील आर्च और बेहतरीन प्रोडक्ट टाटा की तरफ से, जिसमें लगा है क्यूमिंस का 6.7 लीटर BS6 इंजन जो कि 250 HP की पावर और 950 Nm का टॉर्क यहां पर आपको प्रोवाइड करता है। फ्रंट का लुक यहां पर बेहतरीन है, जिसमें आपको 3-पीस बम्पर देखने को मिलता है। नीचे की ओर आपको मेटल ब्लैक फिनिश में भी एक बम्पर दिया गया है। ऊपर लगा है टाटा का क्रोम में लोगो। हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं, उसी के साथ आपको दिए गए हैं राइट और लेफ्ट इंडिकेटर। बीच में आपको टोइंग हुक वेंट्स दिए गए हैं। बीच में लगा है टाटा का क्रोम में लोगो। ऊपर दी गई है टाटा बेजिंग और बड़ा सा विंडशील्ड एरिया। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं टाटा सिग्ना 4625.S की नई रिफ्रेश केबिन में, जिसमें सबसे पहले नज़र पड़ती है ये बहुत ही बेहतरीन दिखने वाले स्टीयरिंग व्हील पे। अब इसका एक बेहतरीन फीचर है, यहाँ से भी हॉर्न बजाओ, यहाँ से भी हॉर्न बजाओ, एक स्टीयरिंग व्हील में दो दो हॉर्न के ऑप्शन। जी हाँ, ये लेफ्ट साइड कंट्रोल, राइट साइड कंट्रोल, आप आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवा के यहाँ पर वॉइस ओवर के कंट्रोल डलवा सकते हैं, जैसे कि म्यूजिक प्लेयर के, और यहाँ पर आप कॉलिंग के कंट्रोल डलवा सकते हैं। सामने है एडवांस लेवल इंस्ट्रूमेंट पैनल, जिसमें आपको सारी डिटेल एक ही जगह पे देखने को मिल जाती है। यहाँ पर AC के वेंट्स दिए गए हैं, ये ट्विटर स्पीकर, ग्लव बॉक्स, LED केबिन लैंप। यहाँ पर आपको कुछ सामान वगैरह रखना हो तो वहां पे भी एक ग्लव बॉक्स दिया गया है, वहां पे स्पीकर की पोजीशनिंग दी गई है, वहां पर को ड्राइवर को केबिन में चढ़ने के लिए वहां पर सपोर्ट दिया गया है, वहां पर भी एक केबिन लैंप दिया गया है। यहां पर है को ड्राइवर के लिए बैठने के लिए सीट, पीछे स्लीपर केबिन, 9-speed 1150 का गियर बॉक्स। सामने है डैशबोर्ड, जहां पर आपको AC के वेंट्स दिए गए हैं, वहां पे भी आपको कुछ जगह दी गई है जहां पे आप पेपर वगैरह रख सकते हैं। यहां पर देखिए तो अब एक ही लाइन पे सारे स्विचेस दिए गए हैं, ये है हैजार्ड लैंप, लाइट मीडियम हैवी, इंजन ब्रेक, हिल स्टार्ट असिस्ट, यहाँ पर रीजनरेशन के लिए स्विच दी गई है। बीच में है इमरजेंसी स्विच, जिसको SOS भी बोलते हैं, जो इमरजेंसी में ड्राइवर साहब को दबाने के लिए काम आती है। पहले गोल राउंड शेप में आती थी, अब इसको एक छोटी सी स्विच के रूप में कर दिया गया है। यह है AC के कंट्रोल्स, नॉन AC है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट के दो चार्जिंग सॉकेट दिए गए, वो भी USB पोर्ट में। यह है वाइपर के कंट्रोल, ये लाइट के कंट्रोल, ORVM, जहां से बार का व्यू काफी बेहतरीन सा दिख जाता है, ड्राइवर साहब को कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। यहां पर आपको दो सनवाइजर दिए गए हैं, यहां पर भी। ओवरऑल केबिन का लुक दिखे तो बहुत ही शानदार है, कंफर्टेबल। मैं जहां सीट पे बैठा हूं, एकदम कंफर्टेबल सीट है, जहां पे ड्राइवर साहब को कोई ट्रिप के दौरान थकान देखने को नहीं मिलती है। सीट की बात करें तो मैं अपने वेट के हिसाब से सीट को यहां पर एडजस्ट किया हुआ है, मेरा वेट है 89, मैंने उस हिसाब से 90 किलो के हिसाब से सीट को एडजस्ट किया, जिससे थकान मेरे को कम महसूस होती है। रिक्लाइन की बात करें तो बहुत ही थाई सपोर्ट भी बढ़िया है। यहां पर देखिए तो मेरी हाइट 6 फुट है, लेकिन मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। यहां पर आपको हैंड ब्रेक दिया गया है, यहां पर भी कुछ आप सामान वगैरह रख सकते हैं। ये है मैन्युअली ग्लास को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओवरऑल ये है टाटा सिग्ना 4625 की केबिन का ओवरऑल डिटेल में वीडियो, जहां पर आपको एडवांस लेवल की यहां पर आपको कोशिश की गई है टाटा के द्वारा के ड्राइवर साहब को कंफर्टेबल फील किया जाए केबिन के अंदर नए नए फीचर के साथ। तो दोस्तों बस यही था आज के वीडियो में। अगर आपका वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।